और फिर अल्लाह करके हम लोग अपने नॉर्थ ट्रिप के लिए निकल ही पड़े। रात को 2-3 बजे तक हम लोगों ने पैकिंग की, उसके बाद 5 बजे का अलार्म लगाया, मर मर के 6 बजे तक उठे और मुकीत साहब ने कोई इतना शोर मचाया हुआ था ना। हम रात को 2-3 बजे तक तो वैसे पैकिंग कर रहे थे सुबह, फिर 5-1 बजे उठे, फिर फटाफट नाश्ता बनाया, पराठे वगैरह बनाए, अंडे बनाए, पैकिंग की, क्योंकि जितना मर्जी सामान पैक कर लो ना, लास्ट मिनट जो चीजें रखनी होती है वो लास्ट मिनट में ही याद आती है। और मुकीत को ये था कि यार इतना लंबा सफर करना है, नाश्ते की ब्रेक लेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए नाश्ता घर से बना के चलो, जो कि गाड़ी में ही करना है, एक ही दफा शाम को जाके खाएं। और जब आप नॉर्थ जा रहे हो तो टनल के अंदर वीडियो तो मैंडेटरी है ना, और मुझे इतना मजा आता है ना छिली खाने में, पूरे रास्ते मुझे जहाँ पे छिली वाला नजर आता है ना, अगले 2-3 घंटे फिर मैं छिली खाती हूँ। और फाइनली हम लोग पहुंचे तिवाई, जहाँ पे हम लोगों ने पहला स्टे किया अपना। मौसम नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वहाँ असर का टाइम था तो हमने सोचा यार नमाज पढ़े फटाफट। अब वहाँ जाके हम लोग इतने डबल माइंड हो रहे थे ना कि तिवाई स्टे करें, ऊपर शोगरान स्टे करें या फिर आगे सीधा नारान स्टे करें, क्योंकि इतना लंबा सफर था और हमारे पास ड्राइवर एक था, क्योंकि मुकीत ड्राइव कर रहे थे। वो हमसे पूछे क्या करो, और हम उनसे कहें यार जितना आप चला सकते हैं, जितने तक चला सकते हो उधर तक ले जाए हमें। और ये जो मेरे येलो स्लीपर्स है ना, दे आर द बेस्ट, लाइक दे आर सो कम्फर्टेबल गाड़ी के अंदर सफर में। मुझे ऐसे लगता है यार मैं जितने जूते लेके गई थी ना, मैंने हर फोटो में मेरे ये स्लीपर्स आ रहे होंगे। सबसे पहला खाना हमने किवाई में खाया, गाड़ी में ना बैठे हुए मेरी सासू मैं दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह करे खाना अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पे इनका एक आबशार होटल है, वहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया। वो पानी ऐसे ना आपके पैरों के अंदर से गुजर के जा रहा होता है, और इतना यख ठंडा पानी होता है ना। तो यार मैं सबको मशवरा दूंगी कि ये आबशार होटल से तो गलती से भी कुछ मत खाना, मतलब कि हम लोगों को भूख लगी हुई थी और हम लोगों ने मजबूरी में खाया, माफ करे इन्होंने कच्ची लाल मिर्च काली मिर्च डाल के हमें खाना बना दिया। लेकिन खैर छोड़े, हम लोग फिर चलते चलते गए और फाइनली हमें नारान नजर आया। वो एंटर होने से पहले जब दूर से ही आपको बाजार की लाइटें नजर आए ना, दिल खुश हो जाता है, लाइक फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। अब हम लोग घर से सोच के गए थे कि यार बिजी सीजन नहीं है, क्योंकि ईद के बाद सब लोग घर आ गए होंगे, लेकिन कोई बच्चों की छुट्टियां आई हुई थी और इतना रश, और मुस्तफा के फुफ्फड़ ने उसकी इतनी सारी शॉपिंग की हुई थी, वो यूके से जब आई थी तो मुस्तफा के इतने सारे कपड़े लेकर आई थी और वो सारे कपड़े सर्दियों के थे, तो मुझे ये हो रहा था कि यार सब जाया हो जाएंगे, मैं इसको कैसे पहनाऊंगी। और फाइनली हमने उसको पहना लिया, इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह उसको सारे कपड़े पूरे भी आ गए, और मुझे इतना शौक था कि मैं उसको ऐसे सर्दियों के फ्लफी फ्लफी कपड़े पहनाऊं। तो सच में बता रही थी कि इतना रश था, हम लोगों को इतनी मुश्किल से होटल मिला। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ ना कि बाजार में पांव रखने की जगह नहीं थी तो ये झूठ नहीं है। फिर खैर हम लोग फटाफट फ्रेश हुए, चेंज वगैरह किए, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश सर्दी थी। कुछ लोग होते हैं जिनको नॉर्थ में जाके ना पहाड़ों में पीस चाहिए होता है, लाइक उनके लिए ये होता है कि यार अब जा रहे हैं ना, जरा तसल्ली से आराम से खामोशी में बैठ के इंजॉय करें। और मुझे ये होता है यार ये जो इंजॉय करना है वो आप कमरा बंद करके अपने कमरे में इंजॉय कर लो, मुझे तो ऐसे रौनक वाली जगह में मजा आता है। सबसे पहले हम लोग को जाके बेल्ट खरीदनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली पैंट बेल्ट के बगैर तो पहनी नहीं जा सकती। हाँ तो सच में बता रही थी कि अगर मैं पहाड़ों में जाती हूँ ना तो मेरी सारी एक्साइटमेंट बेसिकली क्या होती है कि मैंने बाजार घूमना है, लाइक मुझे कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना, मुझे भूख लगी है या नहीं लगी, मेरे ऐसे मुफ्त की चीजें खानी भी है और मुफ्त की चीजें ऐसे घूमना फिरना भी है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, आप जैसे ही पहाड़ों के रीजन में स्टार्ट होंगे ना, ये एबटाबाद बालाकोट, आप वहाँ पे मून रेस्टोरेंट के एड्स देखना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हर पहाड़ के हर सड़क पे हर कॉर्नर पे इनका एड लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि यार इन लोगों ने इतनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि अब ट्राई करना तो बनता है। उसके बाद फिर हम लोग गए मून रेस्टोरेंट, और मैं ऑन द वेरी सीरियस नोट सच में बता रही हूँ कि इनका खाना वाकई मजे का है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो या नॉर्थ साइड पे जाते हो तो आपको बहुत मुश्किल से कहीं कोई अच्छा खाना मिलता है, वरना कोई ऐसे लगता है कि यार पैसे बर्बाद कर रहे हैं हम। बारबेक्यू प्लेटर 4,500 का। पहले जब मैंने मेन्यू उठाया तो आई फील लाइक यार इट्स टू एक्सपेंसिव, लेकिन दूसरी जगह पे पैसे जाया करने से बेहतर है बंदा अच्छा खाना खाए। और मैं आप लोगों को हैक बताती हूँ, ये जो कॉफी वाले यहाँ खड़े होते हैं ना, आप इनकी मशीन से अपने बच्चों के फीडर गर्म करवा सकते हो। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, मैंने वहाँ पे एक आंटी को देखा तो फिर मुझे पता लगा कि हैं ये क्या हो रहा है। आई थॉट कि मैं यार सबके साथ शेयर करूँ कि आप इजीली अपने बच्चों का फीडर बनवाएं, इनको पकड़ाएं, इनको कहें थोड़ा सा गर्म कर दो, और ये हल्का सा पता नहीं उसको गैस करते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो गर्म हो जाता है। आप जहाँ पे हम कॉफी की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे मैं इन फराड़ियों की एक और बात बताती हूँ। मैंने रात को कॉफी ली और लिटरली मतलब मैंने उठा के सिर्फ एक कदम में आगे बढ़ी हूँ, मैंने नीचे देखा कॉफी का कप आधा हो गया। ये बड़े बदतमीज होते हैं, ये सारी झाग बना के दे देते हैं और लिटरली दो घूंट भी नहीं होते पूरे कप में। और माशाल्लाह नेक्स्ट डे मुस्तफा साहब फिर से रेडी हो चुके हैं। इसके
ये छोटे छोटे सनग्लासेस हमने मूसा और मुस्तफा दोनों के लिए हुए थे। जब इस भाई का मूड होता था ना तब पहन भी लेता था, लेकिन जब मूड नहीं होता तब नहीं पहनने। और ये जितना मैंने इसको पैक किया मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे सारी टोपियां सॉक्स सब कुछ उतारना पड़ा क्योंकि अच्छी खासी गर्मी थी दिन में। टोपियां कह रही आई मीन कैप, मतलब आई एम सो डम समटाइम्स। और हम वहां जाकर भी सारा फोटोशूट कमरे में खड़े होकर कर रहे हैं, कोई हाल है हमारा। और मैंने कहा था ना ये मेरे येलो स्लीपर्स, लिटरली मेरी अम्मा ने देखा ना तो मुझे फोन करके कहेंगे ये क्या पहना हुआ है। बट ट्रस्ट मी दे वर सो कंफर्टेबल। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अब चेकआउट करें और आगे चलें। और ये मुस्तफा को भी सनब्लॉक मैंने लाजमन लगाया और अपना तो मैंडेटरी है ही ना। फिर मैंने कहा चलें यार तैयार हो गए थोड़े से फोटोशूट तो करें। और मतलब कि दो मिनट बाद मुझे याद आया कि यार यहाँ आकर भी अगर मैंने इस बैकग्राउंड में पिक्चर्स लेनी है तो क्या फायदा। अच्छा मजे की बात बताती हूँ। अब रात को हम लोग मून रेस्टोरेंट से पीस वगैरह खाकर आए ना, तो घर आके हम लोगों ने मतलब होटल आके हम लोगों ने अपनी सास ससुर को इतनी तारीफें की, मैंने उनका इतना मजे का ये है वो है, चलो भाई सुबह नाश्ता करने हम दोबारा वहीं पहुंच गए। हम लोग इतनी हाइप जनरेट की थी ना उन लोगों को। और नाश्ते में हम लोगों ने मतलब जो कुछ मंगवाया ना, मतलब दैट वाज नॉट टू गुड, मतलब ऐसे फ्लॉप था, नहीं मतलब फ्लॉप ही नहीं कह सकते, लेकिन यार इतना अच्छा नहीं था। खाना इनका बहुत अच्छा है सच में, नाश्ता इनका नहीं अच्छा इतना ज्यादा। चेक करें लस्सी का जग 800 रुपए का, एक आलू वाला। और ये मैंने जितने शौक से आलू वाला पराठा ऑर्डर किया था ना ये मिला ही नहीं। और यहाँ पे इतना कोई रश था, लाइक आपको टेबल लेने के लिए भी ना ऐसे 5-10 मिनट से खड़ा होना पड़ता है कि बंदा सोचता है कि यार सारे उठ के इधर ही आके बैठ गए हैं, वैसे पे बहुत रश था। तो खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, मुकीत को इनकी चाय बहुत पसंद आई जो कि वाकई अच्छी थी और सर्विंग भी ठीक ठाक थी। अब मैं आप लोगों को एक मशवरा देती हूँ, जब भी अगर आप नारायण या कागान वाली साइड का प्लान कर रहे हो ना तो आप PTDC होटल के अंदर ऑनलाइन पहले ही बुकिंग ले लें। बेसिकली नारायण में PTDC है जो कि गवर्नमेंट के अपने रिजॉर्ट्स हैं। हम लोगों का अचानक प्लान बना तो हम लोगों ने चेक किया, उस टाइम तक हमें कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, लाइक एवरीथिंग वाज फुल। लेकिन हम लोग वैसे ही वहाँ विजिट करने चले गए और यार इतना कोई खूबसूरत जगह पे उन्होंने बनाया हुआ है ना, मतलब ऐसे साइड्स पे रूम्स हैं, फिर आगे पहाड़ हैं, दरिया है, एक छोटा सा पुल बना हुआ है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। वी विल शेयर एवरीथिंग इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक इफ यू गाइस हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल, विच यू कैन फाइंड द लिंक इन माई बायो। और ये कुछ पिक्चर्स हैं ट्रिप की जो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी महबूबा। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।